57वां अध्याय स्मरण तक हरण सत सत धनवा का उद्धार और अक्रूर जी को जी फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परोपचारित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उसके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधनवा से आकर कहा, तुम सत्रजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजीत से अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उनसे हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया है। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए? सतधनवा पापी था और जब अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकावे पर सतधनवा उसकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनवा ने उसकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चपल हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के काढ़े में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अब सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों से आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सतधनवा को मारने तथा उनसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मरा गया। जरासंध जैसे सुरवीरों को भी उनके सामने सहस्त्र बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट आना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उससे वैर विरोध ठाने? जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जिन्हें नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उठाकर हाथ में रख लेते, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठवाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उसके कर्म अद्भुत है, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मरूप स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने स्वयं तक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। परिषित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फरका रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट उस
एक उपवन में सतधन्वा का घोड़ा गिर गया, गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्वयं तक मणि ढूंढा। परंतु जब मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सतधन्वा को व्यर्थी मारा, क्योंकि उसके पास स्वयं तक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधन्वा ने संयम तक मणि किसी न किसी के पास रख दी है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, एक एकर यदुवंशी शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उसका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर उसकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। उसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको ये समाचार सुना दिया कि सतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्वयं तक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और द्वैदेहिक क्रियाएँ करवाई, जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर जी के द्वारका से चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं कि वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं, भला ये भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उसके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल को अपनी पुत्री गांधिनी विवाह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफलक के ही पुत्र है और उसका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। ये जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उससे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधन्वा आपके पास वह समयन तक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही है कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्वयं तक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई ये आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप ये मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार संतुना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपटे हुए सूर्य के समान प्रकाशमान उस मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी।
भगवान श्री कृष्ण ने वह स्वयं तक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उससे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण ये आख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छुटकर शांति का अनुभव करता है।